हमारे YouTube चैनल स्ट्रेस बुजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 6th सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे जो कि हमारा सेल बायोलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 8 है। इससे पहले की 7 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लोरोप्लास्ट की स्टडी की थी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम क्या होता है, किस प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन किस तरीके का होता है लाइसोसोम का। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी को कौन से टॉपिक की नोट्स चाहिए, वो आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज के इस वीडियो में कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इन 1949 अ बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट 1949 में एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे, क्या नाम था उनका, क्रिश्चियन डी डूवे। In 1949, a Belgian cytologist Christian de Duve had discovered cell organelle lysosome. यानी कि Christian de Duve ने, जो कि एक Belgian cytologist थे, 1949 में cell organelle lysosome को discover किया. They are generally known as suicide bags because of their role in autolysis. यानी कि उन्हें generally suicide bags के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये इनका रोल जो होता है वो ऑटोलिसिस का होता है, इसलिए इसे हम जनरली सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम्स आर स्मॉल साइज राउंड बैग्स फिल्ड विथ डेंस मास दैट हैज एक्सेस ऑफ एसिड फॉस्फेटेज एंड अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो स्मॉल साइज राउंड बैग्स होते हैं फिल्ड विथ डेंस मास, जो कि डेंस मास से फिल्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं, that has excess of acid phosphatase, जिसमें कि acid phosphatase की excess होती है and other hydrolytic enzymes, और other hydrolytic enzymes इसमें present होते हैं। It comprise of following two parts, यह two parts से मिलकर बना होता है, क्या होता है, first है limiting membrane, it is a single lipoprotein membrane with chemical structure similar to unit membrane of plasma lemma. यह एक सिंगल लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है विथ केमिकल स्ट्रक्चर, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर प्लाज्मा लेमा के यूनिट मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है। यानी कि यह सिंगल लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है उसके केमिकल स्ट्रक्चर से मिलती जुलती होती है। सेकेंड क्या है, इनर डेंस मास, दिस सॉलिड मास इज फाउंड इनक्लोज्ड इन लाइसोसोम। ये जो सॉलिड मास होता है वो लाइसोसोम में इनक्लोज्ड पाया जाता है। इन सम लाइसोसोम्स द आउटर जोन इज एक्सट्रीमली डेंस इन कंपेरिजन टू द इनर जोन। कुछ लाइसोसोम्स में क्या होता है, जो आउटर जोन होता है वह इनर जोन के कंपेरिजन में एक्सट्रीमली डेंस होता है। तो ये थी लाइसोसोम के स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं लाइसोसोम। बात करते हैं लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, फैगोसाइटोसिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड टू सेल्स। जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है वो हेल्प करती है सेल्स को फूड प्रोवाइड करने में, एंड दिस फूड इज डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम। और ये जो फूड होता है वो लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। लाइसोसोम्स ऑफ WBCs आर इन्वॉल्व इन नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी। यानी कि जो WBC के लाइसोसोम्स होते हैं वो बॉडी के नेचुरल डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं एज दे कंज्यूम्स द फॉरेन प्रोटीन्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, फॉरेन प्रोटीन्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स को कंज्यूम करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, लाइसोसोम्स कॉज ब्रेकडाउन ऑफ एजिंग एंड डेड सेल्स। और जो एजिंग एंड डेड सेल्स होती हैं लाइसोसोम्स के द्वारा उनका ब्रेकडाउन भी होता है। तो ये थे लाइसोसोम के फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लें, नोट्स रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।